अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और मैं लेके आया हूँ आज आप लोगों के लिए GMC, और इसका जो पेंट है वो पूरा फिटेड है, जो धूप से पेंट जल चुका है इसका। तो अभी हम लोग इसको फुल बॉडी जो है पेंट करेंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं लेके आ रहा हूँ और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों को लगेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जो गाड़ी है उसका जो पेंट है वो पूरा आप लोगों को दिखाएंगे अभी, तो कैसे पेंट जो है वो जल चुका है, और पेंट करने के बाद इंशाल्लाह वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो जो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया भी जाएगा और बताया भी जाएगा कि हम लोग इसको कैसे रिपेयर करते हैं। तो रिपेयर करने के बाद वापस इसको रीपेंट कर देंगे। तो अगर कोई आदमी अपनी गाड़ी का काम कराना चाहता है तो भी हम लोगों से रब्ता कर सकते हैं। मेरा जो कॉन्टैक्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने, तो वहाँ से नंबर लेके उनसे रब्ता कर सकते हैं जो लोग UAE में हैं। तो मैं इधर अजमान सनाइया में हूँ, हमारा गैरेज इधर है। तो हम लोग गाड़ियों का काम कर रहे हैं, डैंडिंग पैंडिंग मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन टोटल काम कार का होता है। तो चले अभी जो कैमरा है वो बैक ऑन करेंगे और आप लोगों को जो गाड़ी का एक ओवरव्यू है वो कराएंगे, तो उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। तो दोस्तों ये है हमारी GMC इकाडिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मॉडल है ये इकाडिया का है। और बाकी अगर हम लोग गाड़ी का ओवरऑल का बात करें तो गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त है, मुझे तो बहुत पसंद आया। और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि GMC इकाडिया जो गाड़ी है आप लोगों को कैसी लगी। नाम बहुत मस्त है, GMC इकाडिया। तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। अभी मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ काम को, और उसके बाद फुल बॉडी को रीपेंट करेंगे। आप लोग देखते रहिए वीडियो एंड तक, और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत मज़े का होने वाला है। तो इसका जो कलर है वो आपको दिखाता हूँ, फुल बॉडी का पेंट जला हुआ है, धूप से जो फेड हो जाता है वो पेंट फेडेड है। तो उसको रिपेयर करेंगे, उसके बाद पेंट करेंगे, और उसके बाद साथ साथ में चिल मस्ती भी होता रहेगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। तो दोस्तों यहाँ से जो इसका पेंट है ये पूरा जला हुआ है, ये क्यों जल गया, क्यों ये पीस ऐसे हैं, इनको धूप मार रही है, और अगर ये ऐसे रहेंगे तो इनको धूप नहीं मारेगी। तो अमारात में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, उसी की वजह से ये जो पेंट है ये जल जाता है। ये देख सकते हैं आप, जैसा कि ये पेंट पूरा जला हुआ है। और जिन लोगों के पास गाड़ियाँ हैं अमारात में उनको तो मालूम है कि पेंट ऐसा जल जाता है गाड़ियों का, और वो परेशान हो जाते हैं यार ये क्या हो गया, ये पेंट ऐसा क्यों जा रहा है। लेकिन उन लोगों को शायद कुछ लोगों को मालूम है, तो ये पेंट गर्मी से जल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखें पूरा जो पेंट है इसी तरीके से जला हुआ है। यहाँ पे मेरा कैमरा फोकस करेगा, हाँ। तो बोनट और ये पिलर ये तो बहुत बुरे तरीके से डैमेज हुआ पड़ा है, इसका पेंट जो है वो धूप से फेड हो चुका है। और माशाल्लाह यहाँ पे देखें ये तो बिल्कुल गया, इसका तो बहुत खस्ता हालत है, बराबर जला पेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे बराबर नज़र आ रहा है। तो इसका यही ये क्यों जल जाता है, यहाँ पे लोग जो मटेरियल हैं वो हल्का यूज़ करेंगे तो ऐसा ही रहेगा पेंट, 6 महीने के बाद 1 साल के बाद जल जाएगा। अगर आप लोग मटेरियल अच्छा लगाएंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता, तकरीबन 300-400 का फ़र्क पड़ता है। गाड़ी अगर फुल पेंट करवा रहे हैं आप लोग तो उसमें मटेरियल थोड़ा अच्छा लगवा लें, ताकि जो आपका पेंट का लाइफ है वो बढ़ जाता है गाड़ी का। बार बार पेंट कराने से बेहतर है कि एक बार करवा लें। तो देखें यहाँ पे, तो दोस्तों ये है GMC, इसका जो छत है वो मैंने पहले पेंट लगा दिया हुआ है, क्योंकि बड़ी गाड़ी है इसलिए इसका जो छत है ये पहले लगाना पड़ता है, और लगाना भी पहले चाहिए। इसका तरीकाकार यही है, क्यों कि जब हम लोग बाद में पेंट नीचे लगाएंगे और ऊपर और नीचे एक साथ लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पाँव के निशान लगे हुए हैं। तो मैं बेसिकली इस टेबल के ऊपर गया था, इस टेबल के ऊपर जाने के बाद छत को पेंट लगा था, क्योंकि छत बहुत ऊपर है ना। तो बाद में इधर
यहाँ पे हमारे पाँव लगते हैं तो ये वाला पेंट ख़राब होता है, इसलिए तो छत है वो पहले पेंट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह छत जो है मैंने पहले पेंट कर दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है इसका माशाल्लाह। और अभी जब नीचे पेंट करेंगे तो छत है ये पैकिंग कर देंगे इसका, तो छत पैक हो जाएगी। तो जी दोस्तों, जब हम सैंडिंग करते हैं तो हम जो ये रिंगमार है, इस तरह का गुटका होता है, ये रबर का है, तो इसके ऊपर ये 320 का पेपर है, इसको जो पेपर होता है वो बड़ा होता है, उसके हम लोग 4 पीस करते हैं, और पीस करने के बाद इसकी मदद से इसको इधर लग रख लेते हैं, और ये इसका जो लेवल है वो बराबर करता है। तो जो इसमें गाड़ी की लाइनें वगैरह है वो भी हम इसी की मदद से बनाते हैं। तो जो ये लेवल है वो ये जो है ये भी इसका बराबर रखता है। तो आप लोग अभी देखिए मैं इसका जो सैंडिंग है वो कैसे करता हूँ। तो पहले हम ये रिंगमार पानी में पानी के अंदर डाल देते हैं, ये नरम हो जाते हैं, और उसके बाद पानी लेते हैं और पानी ऐसे गाड़ी के ऊपर डालते हैं, तो इसके साथ सैंडिंग करते जाते हैं। तो जो धूप से पेंट फेड होता है वो हम लोग काट देते हैं, काटने के बाद इसके ऊपर प्राइमर वगैरह लगता है और बाकी का जो प्रोसीजर है वो आगे चलता है। तो फिलहाल सैंडिंग करेंगे और सैंडिंग करने के बाद इसका ये पेंट फेड है वो पूरा हम लोग रिमूव कर देंगे, जो पेंट जला होता है वो पूरा काट के निकाल देंगे, ताकि जो मजबूत पेंट है वो गाड़ी के ऊपर रहेगा और जो रिंगमार की खराशें होंगी, तो बेसिकली जो रिंगमार की जो खराशें होती हैं ये जो हम लोग नया पेंट करते हैं उसको पकड़ने के लिए होती हैं, क्योंकि ऐसा अगर हम शीशे के ऊपर इधर पेंट लगाएंगे शीशे के ऊपर तो वो पकड़ नहीं करेगा, जब सर्विस पे गाड़ी जाएगी तो वो निकल जाएगा, क्यों उसकी जो नीचे ग्रिप है वो पकड़ है वो नहीं होती। तो जो रिंगमार होता है उसकी जो खराशें होती हैं वो बेसिकली जो पेंट को पकड़ लेती है मजबूती के साथ। तो अभी इसको रिंगमार लगाते हैं, हम लोग देखें रिंगमार कैसे लगा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेंट जला हुआ था वो मैंने यहाँ पे ये निकाल दिया हुआ है, इसी तरह कितना पेंट जो निकल सकता है मैं रिंगमार लगा लगा के वो जला हुआ जो पेंट है वो निकाल दूंगा, और उसके बाद इसको प्राइमर वगैरह लगाएंगे और पैकिंग करेंगे और पेंट लगाएंगे। बाकी डेंट वगैरह जो है वो इतने नहीं है इस गाड़ी के ऊपर, बस जो पेंट है वो फेड है, धूप से जला हुआ है, तो बेसिकली जो हमारा अपनी गर्मी पड़ती है वो गाड़ियों का जो पेंट है वो जला देती है, तो इसलिए जब ये पासिंग में जाती हैं तो वो लोग इसको फेल कर देते हैं कि इसको वापस रीपेंट करके ले जाओ, आपकी गाड़ी का जो पेंट है वो जल गया हुआ है। और अगर आपकी गाड़ी का पेंट जला हुआ है तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मैं अभी इसका बाकी काम जो है वो आगे रनिंग करता हूँ। तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। तो दोस्तों फाइनली गाड़ी की जो सैंडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सैंडिंग मैंने कर दिया हुआ था, जो पेंट जला हुआ था वो पूरा मैंने निकाल दिया वैसे, और इसके बाद 600 का जो सैंडिंग था वो कंप्लीट किया, और उसके बाद मैंने इसको माजून का काम किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर उधर टक थे, छोटे छोटे स्मॉल जो डेंट थे उनके ऊपर माजून का काम भी हो चुका है, माजून लगा दिया हुआ है। तो अभी इसकी फाइनल सैंडिंग करेंगे, और सैंडिंग के बाद इसको पेंट लगाएंगे, पैकिंग करेंगे, और पैकिंग करने के बाद हम लोग इसको फाइनल पेंट लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी ये जिधर जिधर जो छोटे छोटे डेंट वगैरह थे, स्क्रैच थे, जो यहाँ पे लाइन थी या छोटे मोटे टाक वगैरह थे वो सारे मैंने कवर कर लिए हुए हैं माजून की मदद से। तो अब हम लोग इसकी सैंडिंग करेंगे माजून की, और सैंडिंग के बाद हम लोग इसकी पैकिंग करेंगे, और पैकिंग के बाद इसको फाइनल जो इसका वो पेंट लगाएंगे। तो बेसिकली ये जो गाड़ी है वो उसका पेंट तकरीबन ठीक है, बॉडी जो इसका उसके ऊपर डेंट वगैरह इतने नहीं है, बस जो धूप से जो पेंट है वो जला था तो इतना काम नहीं है। नॉर्मल हम लोग इसकी सैंडिंग करेंगे, जो पेंट फटा हुआ था वो हम लोगों ने निकाल दिया हुआ है, और बाकी जो रिपेयरिंग का काम था थोड़ा बहुत वो भी रिपेयर कर दिया हुआ है। तो अभी सैंडिंग करेंगे, और सैंडिंग के बाद इसका जो पैकिंग वगैरह है वो करेंगे हम लोग,
उसके बाद इसका जो पेंट का काम है वो होगा। तो देखें इस तरफ भी ये यहाँ पे थोड़े टक थे, इधर छोटे मोटे डेंट वगैरह थे, वो सब कवर कर लिए हुए हैं। तो अभी इसकी सैंडिंग करेंगे और उसके बाद फाइनल पेंट लगेगा। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक, रात काफ़ी हो चुकी है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसने देखो मास्क इधर लगा रखा है, लोग इधर लगाते हैं मास्क, इसने सर के ऊपर लगा रखा है। तो गर्मी है तो पसीना आता है, इसलिए मास्क इसने ऊपर किया हुआ है। तो काफ़ी अभी हवा बहुत मस्त चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। देखें यहाँ पर शायद ये वाला जो पेड़ है आपको नज़र आ रहा होगा, मिल रहा है। तो बहुत मौसम अच्छा हुआ हुआ है, गर्मी जो है कमती है, दिन में बहुत धूप थी बहुत गर्मी थी, अभी काफ़ी मौसम बेहतर हो चुका है। तो चलिए मैं इसकी सैंडिंग करता हूँ और सैंडिंग के बाद हम लोग इसको पैकिंग करेंगे और पैकिंग के बाद इसको फाइनल जो है वो पेड़ लगा देंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक, देखते हैं गाड़ी तैयार होने के बाद कैसी लगेगी। और इसके जो नीचे ये इधर ये ब्लैक पेंट भी करेंगे हम लोग, तो गाड़ी की जो लुक है एकदम नई हो जाएगी। और अगर अभी तक मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर कोई आदमी अपनी गाड़ी का काम कराना चाहता है तो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। तो अगर कोई आदमी गाड़ी का काम सीखना चाहता है तो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आप लोग कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो तो भी मुझसे रब्ता करें, और अगर अमारात में हो तो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली हमारी पैकिंग हो चुकी है गाड़ी की, और बेहतरीन तरीके से मैंने इसकी पैकिंग की है नीचे तक, इधर तक आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके और ये वाले एरिया और ये शीशे पूरे मैंने पैक कर दिए हुए हैं, और फ्रंट स्क्रीन छत इसका जो मैंने पहले पेंट कर दिया था वो भी पैक कर दिए हुए। अब उसके ऊपर जो पेंट का फुहार है वो नहीं जाना चाहिए। तो बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह पैकिंग कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो अब हम इसको लगाएंगे फाइनल पेंट, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। तो देखते हैं इसको जब पेंट लगाएंगे, और पेंट लगाने के बाद जो इसका होलिया है वो कैसा आएगा और इसका जो रिजल्ट है वो कैसा लगेगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर कीजिए। तो मैं कर रहा हूँ, तो मैं जब तक इसको पेंट लगा दूँ तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। तो गाइस गाड़ी को जो पेंट है वो हमारा लग चुका है यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो सिल्वर पेंट है, मैट बहुत अच्छा लगता है। तो बगैर शाइनिंग के इसका रिजल्ट ऐसा है। तो क्लियर कोड लगाने के बाद इसका रिजल्ट कैसा आएगा, और फिलहाल जो बगैर क्लियर कोड के इसका जो शक्ल है ऐसा लग रहा है, ऐसा भी बहुत मस्त लग रहा है। और विदाउट शाइनिंग सिल्वर कलर आप लोगों को कैसा लगा आप लोगों ने मुझे कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है कि बगैर चैनिंग के जो सिल्वर कलर है मैट में कैसा लगा आप लोगों को। बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक, देखते हैं जब इसको क्लियर कोड लगाएंगे और उसके बाद इसका जो रिजल्ट है वो कैसा आएगा और गाड़ी कैसी बन जाएगी, जो इसका लुक है वो कैसा आएगा। तो अभी जल्दी से इसको क्लियर कोड लगाते हैं। तो दोस्तों इस गाड़ी को जो क्लियर कोड लगाना है मैंने वो है ऑटो पेंट का, और आप देख सकते हैं MS क्लियर कोड है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त क्लियर कोड है, कमाल का है। जो इसकी पायदारी है, शाइनिंग है, वो बहुत ही कमाल की है। तो ये जो है मेड इन हांगकांग का है, ये हांगकांग ब्रांच इसका, ये उधर का है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है इसका रिजल्ट। तो ये है इसका क्लियर कोट ऑटो पेंट का, और जो इसका हार्डनर आता है वो ये वाला इसका है हार्डनर, आप देख सकते हैं फास्ट MC हार्डनर। तो ये मैं इसको लगाने वाला हूँ ऑटो पेंट का, तो लगाते हैं अभी क्लियर कोट। तो दोस्तों क्लियर कोट बनाने लगा था तो मैंने सोचा कि आप लोगों से क्लियर कोट भी शेयर कर दूं। ये जो फुट है, स्केल है हमारी, स्केल के ऊपर जो नंबर है ये नंबर फजूल में नहीं लिखे होते, इनका कोई मकसद होता है। तो इसका जो नंबर लिखे हुए इनका क्या मकसद है कि जैसा कि अभी 1 लीटर मैंने क्लियर कोट डाल रखा है इसके अंदर, तो अभी दूसरा जो क्लियर कोट है वो भी मैं इसके अंदर डालूँगा। तो देखते हैं ये कहाँ तक जाएगा। तो गाइस ये आ गया हमारा 10 तक, मैंने रोक लिया, बाकी मैंने इस गाड़ी की मिलर पेंट करने उसके लिए बचा लिया है मिलरों के लिए। तो ये आप देख सकते हैं जो फर्स्ट 10 है ना उसके ऊपर आ गया हमारा क्लियर कोट, आप देख सकते हैं 7
सिक्स सेवन और उसके बाद टेन है। टेन के ऊपर अभी नेक्स्ट वाला टेन आप देख सकते हैं ऊपर नज़र आ रहा है हम लोगों को, तो उस टेन तक हम जो है वो तो इसी तरीके से गाइस जो नेक्स्ट वाला टेन है उस तक हमारा क्लियर कोड चलता रहेगा। हार्डनर यहाँ पे हो गया हमारा 10, 10 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो गाइस ये जो इसके नंबर हैं, ये पहले वाला जो लाइन में है 10, इसके ऊपर हमने क्लियर कोड डाला और दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं फिर 10 आ गया, यहाँ पे 10 है, तो ये हमारा हार्डनर हो गया। अभी तीसरा जो 10 है ये वाला 10 है, 10 नंबर, यहाँ पे हमारा आएगा थिनर और उसके बाद जो हमारा क्लियर कोड है वो रेडी हो जाएगा लगाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है 10 नंबर ये वाला, यहाँ पे हमारा जो क्लियर कोड रेडी हो चुका है। तो इस फुट्टे की मदद से जो स्केल से बनाते हैं उसका मकसद यही होता है कि ये एक जो नाप तोल के बनाया जाता है सेम वही हो गया। तो अभी हम लोग इसको हलाएंगे, मिक्स करेंगे और मिक्सिंग के बाद अप्लाई कर देंगे। तो जो हमारी गाड़ी है माशाल्लाह फाइनल रेडी हो चुकी है, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है और अभी इसको मैंने क्लियर कोड लगा दिया और आप देख सकते हैं जैसा कि बहुत ही चकास किस्म की लग रही है। तो अभी इसका जो फाइनल रिव्यू है आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो टाइम काफ़ी हो चुका है, मैंने सोना भी है, नींद बहुत आई हुई है, तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखें फाइनल जो लुक है गाड़ी की वो कैसी आई है। हमारी माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, GMC का मॉडल है और सिल्वर कलर में, सिल्वर नहीं है ये थोड़ा ग्रे टाइप है, सिल्वर में बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग अपनी राय दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपकी गाड़ी का पेंट फेड है इस गाड़ी की तरह तो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको गाड़ी जो आपकी गाड़ी है वो इसी तरह नहीं बना के दे दूंगा। आप देख सकते हैं ये है मेरे हाथों का कमाल, मेरे हाथों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का और मेरे उस्ताद का जो मेरे बाबा हैं उनका दिया हुआ बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी आप दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि आप लोग स्किल सीखें, जो स्किल फॉर मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू है, तो आप लोग ये बात जहन में बिठा लें कि जो हुनर है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो माशाल्लाह ये जो गाड़ी है बाकी बहुत ज़बरदस्त लग रही है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में भी और गाड़ी के देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। अभी क्योंकि जो इसकी पहले जो पूरा पेंट इसका फेड था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। तो बाकी अभी इसके फाइनल हम लोग न्यूज़पेपर निकाल देंगे और उसके बाद जो गाड़ी है वो ड्राइव के लिए रेडी हो जाएगी। तो फर्स्ट ड्राइव करेगी गाड़ी और पासिंग पे जाएगी, क्योंकि ये गाड़ी भी फेल हो के आई थी, जिसका बॉडी का पेंट था वो फेडेड था, तो उन लोगों ने इस गाड़ी को फेल कर दिया अमारात वालों ने। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी फाइनल रेडी है। अभी इसके नीचे जो इधर मेरा ब्लैक पेंट है वो थोड़ा बाकी है, तो इधर ब्लैक पेंट लगाऊँगा और उसके बाद गाड़ी रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो गाइस माशाल्लाह हमारी जो गाड़ी है वो कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ भी आप देख सकते हैं जैसा कि बहुत ही ज़बरदस्त हुई है। और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे बता सकते हैं कि आपको ये मेरी गाड़ी कैसी लगी, मेरा काम कैसा लगा और इसका जो पेंट था वो प्रोसीजर आप लोगों को कैसा लगा। और अगर तो दोस्तों अगर आप में से किसी भाई ने अपनी गाड़ी का काम कराना है तो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जो मेरा नंबर है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरा नंबर भी है और अली भाई का नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर मैं फ़ोन पिक नहीं करता, क्यों, मैं तो काम में थोड़ा बिजी भी रहता हूं तो अक्सर फ़ोन नहीं उठा पाता, तो आप लोग अली भाई से रब्ता कर सकते हैं तो वो आपको रिप्लाई फ़ौरन करेंगे, क्यों वो तो इधर पार्क बैठे होते हैं, काम नहीं करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी बाकी गाड़ी है उसका ओवरहाल बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है, जो पेंट है इसका पूरा फेडेड था धूप की वजह से, जो अमारात में गर्मी पड़ती है उसकी वजह से अक्सर गाड़ियों का जो पेंट है वो जल जाता है, तो ये गाड़ी भी उन्हीं में से थी, इसका पेंट जला हुआ था, मैंने इसको प्रॉपर सैंडिंग किया और सैंडिंग के बाद फाइनल इसको जो इसका प्रोसीजर था वो आपने देखा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी आएंगी मैं गाड़ियों को कैसे रिपेयर करता हूँ और उसके बाद वापस रीपेंट करता हूँ। तो अगर आप अपनी गाड़ी काम करना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो
वेलनगुड़, हमारा गैरेज इधर अजमान सनैया में है। हम लोग डैंडिंग पैंडिंग मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, पूरा काम हमारे यहाँ होता है। तो अगर आपकी गाड़ी का मैकेनिकल काम है तो भी रब्ता कर सकते हैं, तो अगर एसी वगैरह का कोई प्रॉब्लम है तो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो बाकी हमारी गाड़ी जो ये वाली है, ये यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त लग रही है, मस्त लग रही है, चकास हो चुकी है। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और किसी भाई ने पेंट के बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं हाज़िर हूँ। जो मेरे पास है मैं आप लोगों को फ्री में देने के लिए रेडी हूँ। तो प्लीज़ अगर कोई आदमी बग़ैर स्किल के घूम रहे हो आप लोग, तो मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप लोग काम सीखो। जो हुनर है वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आपके हाथ में होता है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। आप कितना भी सीखो वो आपके फ़ायदे में आएगा। तो जो डिग्रियाँ हैं वो किसी काम की नहीं रहती, डिग्री जो है वो किसी काम की नहीं रहती, जो हुनर है वो कारामद रहता है और उसका एक लाइफ टाइम आपके साथ रहता है। तो अगर कोई आदमी गाड़ी का काम सीखना चाहता है तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं इधर अमारात में, तो मैं इधर आप लोगों को फ्री में काम सिखाऊंगा। तो अगर कोई पाकिस्तान में सीखना चाहता है तो भी नो प्रॉब्लम, मैं हाज़िर हूँ। मेरे बाबा मेरे जो उस्ताद हैं वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं अभी भी, तो वो अभी इतना काम नहीं करते, बस ट्रेनिंग देते हैं लड़कों को, काम सिखाते हैं, पेंट की जो तालीम है लड़कों को वो देते हैं, तो लड़के काम सीख के अपना आगे काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरीन, दुबई, कुवैत, कतर, सऊदी में बहुत लड़के जो हमारे हमसे काम सीखा, हम लड़कों ने मेरे बाबा से सीखा जिन लड़कों ने, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अपने पाँव पर खड़े हैं और अपना रोज़गार कमा रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में हुनर है। तो प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग कोई भी हुनर सीखो ज़रूर सीखो। बाबा को देखो वो क्या काम करते हैं, अपने आसपास पड़ोस में देखो लोग क्या करते हैं, कैसा काम करते हैं, उसी तरीके से आप लोग काम सीखें। तो जो हुनर है वो मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, तो प्लीज़ काम ज़रूर सीखें। तो पढ़ाई में दिलचस्पी रखें, लेकिन किसी हद तक ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको काम करना है, प्रैक्टिकल में आएँ और जो हुनर है वो सीखें। हुनर बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत बेहतरीन स्किल, बहुत ही अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को करते हैं एंड, तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तो अल्लाह हाफिज़, बाय।